अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हीर असलम परवेज और आप देख रहे हैं मेकअप ब्यूटी बॉक्स चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने मेट फाउंडेशन को ग्लोई लुक कैसे दे सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक मेरे साथ बने रहिए। ग्लोइंग बेस के लिए मैं इसमें यूज करूंगी आइकॉनिक लंदन का इल्यूमिनेटर। अगर आपको सच बताऊं तो ये इल्यूमिनेटर बहुत ही कमाल की चीज है और आइकॉनिक इल्यूमिनेटर का रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। सो बिना आप लोगों का कीमती वक्त जाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेस अप्लाई करने से पहले आपने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना है क्योंकि स्किन प्रिपरेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। सबसे पहले आपने अपने फेस पर मॉइस्चराइजिंग लोशन अप्लाई करना है जो भी आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पर मॉइस्चराइजिंग लोशन ज्यादा निकला है इसलिए मैंने इसको हाफ कर लिया है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। प्राइमर में ले रही हूं का प्राइमर, आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपके पास मैटिफाइंग हो या सिलिकॉन बेस्ड हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो अप्लाई कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी स्किन प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है और इसके बाद मैं ले रही फाउंडेशन। फाउंडेशन आप किसी भी कंपनी की ले सकती हैं, चाहे आप काशिश की ले लें या एमली पैरिस की ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिस रोज की लिक्विड फाउंडेशन। एक साइड पर मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ ताकि आपको वाजह फर्क दिख सके विद इल्यूमिनेटर और विदाउट इल्यूमिनेटर। अच्छा जी, फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उसकी मदद से आप जस्ट डैब डैब करके अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है। और ग्लोइंग बेस के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी आइकॉनिक लंदन का इल्यूमिनेटर। नंबर वन पे मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लॉसम, वन ऑफ माय फेवरेट। ये कुछ पिंकिश कलर है और ये थोड़ा लिक्विडी और रनी फॉर्म में होता है और ये लिक्विड हाइलाइटर भी कहलाते हैं। सेकंड नंबर पे मैं आपको दिखा रही हूँ शाइन इल्यूमिनेटर, इसका कुछ सिल्वर सा कलर है लेकिन ये प्योर सिल्वर नहीं है। थर्ड नंबर पे मैं आपको दिखा रही हूँ गोल्डन, ये कॉपर की फैमिली से बिलोंग करता है, ये प्योर गोल्डन नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात नोटिस कर लीजिए, अगर आपने पिंक बेस बनाया है तो आप पिंक कलर का इल्यूमिनेटर ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप मीडियम टू डार्क कलर का बेस बना रहे हैं तो आप गोल्डन कलर का, और अगर आप लाइट बेस बना रहे हैं फेयर बेस की तरफ जा रहे हैं तो आप सिल्वर कलर का इल्यूमिनेटर यूज कर सकते हैं। जैसे भी आपके क्लाइंट की डिमांड है कि उसको फेयर बेस चाहिए, मीडियम बेस चाहिए या फिर उसको पिंकिश बेस चाहिए, आप उसी हिसाब से इल्यूमिनेटर ऐड करेंगे। मुझे यहाँ पर फेयर बेस की तरफ जाना है इसलिए मैं यहाँ पर शाइन इल्यूमिनेटर यूज कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अपने इल्यूमिनेटर और फाउंडेशन की क्वांटिटी इक्वल ले रही हूँ। क्वांटिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ हम अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी बेस का कलर कैसे चेंज हो गया है। और इस ग्लोइंग बेस के लिए मैंने सेम मिस रोज की लिक्विड फाउंडेशन यूज की है आप ही के सामने। और यहाँ पर मैं अपने बेस को मजीद फेयर करना चाह रही हूँ इसलिए मैंने वन ड्रॉप पिंकिश इल्यूमिनेटर ब्लॉसम ऐड कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सिंग के बाद हमारा जो बेस का कलर है वो मजीद वन टोन फेयर हो गया है और हमारे बेस में काफी ग्लोइंग लुक आ गया है। ब्रश की मदद से ही मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। ब्लेंडिंग के लिए वेट स्पंज लूंगी, जस्ट डैब डैब करके अपने फाउंडेशन को अच्छे से अपने स्किन में सेट करूंगी। अच्छा जी, यहाँ पर फाइनल लुक आपके सामने है और आफ्टर आप देख सकते हैं कितना वाजा फर्क है। जस्ट सिंपल मेथड से हमारी जो बेस है वो कितनी ग्लोइंग और शाइनी लग रही है और प्लस हमने को 2-3 टोन फेयर कर लिया है। और यहाँ पर मजीद एक बात नोट कर लीजिए, अगर आपने डल कलर का अपना बेस बनाना है ग्लोइंग बेस तो आपने इस तरह का गोल्डन कॉपर सा इल्यूमिनेटर ऐड करेंगे। आज की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।